भी एक तबका ऐसा है जो कि बेटा और बेटी में अंतर समझता है, लेकिन अब इस तबके को जवाब देने वाले भी सामने आने लगे हैं जो कि अनोखे ढंग से बेटी के जन्म पर अपना संदेश देश और दुनिया में पहुंचाते हैं। इन्हीं में शामिल है छिंदवाड़ा में ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले संजीत चंद्रवंशी, जिन्होंने बेटी के जन्म पर गोलगप्पे का नगर भोज रख दिया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा शहर के बरारीपुरा निवासी संजीत चंद्रवंशी ने बेटी के जन्म पर खुशी कुछ इस अंदाज में मनाई कि सड़क किनारे ठेले पर पानी पूरी और चाट बेचने वाले इस शख्स के घर बेटी का जन्म हुआ था। इस खुशी में उन्होंने बुधवार को लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए। उन्होंने करीब 4000 से ज्यादा पानी पूरी और सामग्री तैयार की और फ्री फ्री का बोर्ड लगाकर लोगों को मुफ्त में चटपटे गोलगप्पे की दावत दिला ली। मुझे बेटी हुई है, इसके उपलक्ष्य में मैं गुपचुप निःशुल्क बांट रहा हूँ। लोग बेटी को बहुत समझते हैं, इसीलिए लड़की को या लड़के को दोनों को एक समान समझना चाहिए। लड़की को बोझ न समझे, इसीलिए लोग बोलते हैं बेटी घर पे परेशान हो जाते हैं कोई लोग, इसीलिए बेटी का होना जरूरी होता है। परिवार में होना भी जरूरी है, एक ना एक लड़की होना चाहिए, लड़के लड़की एक समान होना चाहिए। लड़की को बोझ न समझे और मन में खुशहाली आई है, इसके उपलक्ष में मैं गुपचुप खिला रहा हूँ बेटी होने के कारण। वही बेटी के जन्म पर गोलगप्पे की इस अनोखी दावत का हर उम्र के व्यक्ति ने लुफ्त उठाया और संजीत चंद्रवंशी की पहल की जमकर तारीफ।